हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ कार्डिनल नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 80। देखिए यहाँ पर ये जो साइन बना हुआ है ये यूनिवर्सल सेट का साइन होता है और इसको हम लोग यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है कार्डिनल नंबर ऑफ पी इज इक्वल टू 40, कार्डिनल नंबर ऑफ क्यू इज इक्वल टू 28, कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू 12 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू 10 एंड R इज द सबसेट ऑफ P एंड R इज डिसज्वाइंट विद Q, देन द वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ Q यूनियन R कॉम्प्लीमेंट इज। यहां पर फोर ऑप्शन गिवन है, A, B, C एंड D, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेंगे कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर हमें दिया हुआ है A कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से उसको माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए। तो आइए इस पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम बना लेंगे। वेन डायग्राम में हम जानते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है उसको एक रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, तो इसको U से डिनोट कर सकते हैं या फिर आप इस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए तीन और सेट बने हुए हैं जिनको हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। तो एक तो P है, एक Q है और एक R है। ठीक है, अब इसमें एक ये भी चीज गिवन है कि R इज द सबसेट ऑफ P। तो जब हम P बनाएंगे, देखिए ये हम लोगों ने एक सेट बना लिया P, तो R जो होगा वो P के अंदर आएगा क्योंकि R जो है वो P का सबसेट है। ठीक है, ये R हो गया और ये P हो गया। अब देखिए क्यू की बात कर लेते हैं। यहां पर दे रखा है पी इंटरसेक्शन क्यू, इसका मतलब पी और क्यू में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब हो गया उसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, और ये जो पार्ट होगा ये पी इंटरसेक्शन क्यू में आएगा, यानी कि जो पी और क्यू में कॉमन है। अब देखिए वैल्यूज लिख लेते हैं कि हमें किसकी किसकी क्या वैल्यूज दे रखी हैं। देखिए सेट पी में टोटल एलिमेंट तो कितने हैं, 40 हैं, और क्यू में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 28 हैं। अब यहां पर दिया गया है कि पी इंटरसेक्शन क्यू, तो पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू दे रखी है 12, इसका मतलब यहां पर 12 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और पी इंटरसेक्शन आर, पी इंटरसेक्शन आर में कितने हैं, 10 है, यानी कि आर और पी में कितने हो जाएंगे, 10। ये हो गया 10 क्योंकि आर जो है वो पी का सबसेट भी है। ठीक है, अब देखिए P में टोटल कितने थे, 40 थे, जिसमें से 12 यहां पर आ चुके हैं। तो 40 में से 12 कम कर देंगे तो हमें मिलेगा 18, यानी कि P में 18 एलिमेंट होंगे। और ऐसे ही Q में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 28, जिसमें से 12 यहां पर आ चुके हैं। तो 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि Q में होंगे 16। ठीक है, अब देखिए यहां पर जितने भी एलिमेंट आने थे वो सब हम लोगों ने भर दिए P में, Q में और R में। अब यूनिवर्सल सेट में देखिए टोटल कितने थे, 80। ठीक है, तो इस 80 में से देखिए 18 यहां पर आ चुके हैं, 10 यहां पर आ चुके हैं, 12 यहां पर आ चुके हैं, 16 यहां पर आ चुके हैं। तो बाकी के बचे हुए कहां पर होंगे, वो यूनिवर्सल सेट में होंगे, और बाकी के बचे हुए एलिमेंट कितने हैं, 24। ठीक है, 80 में से इन सबको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 24। इस तरह से ये पूरा वेन डायग्राम आ चुका है। अब देखिए हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है क्यू यूनियन आर का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यू यूनियन आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो Q यूनियन R का अगर हम लोग कार्डिनल नंबर देखें तो कितना आएगा, यानी कि Q और R में जो भी है। ठीक है, तो देखिए Q में कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो 16 को लिख लेते हैं, प्लस R में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, तो वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि Q और यूनियन R का मतलब ये होता है कि Q और R जो कॉमन पार्ट है वो भी, ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो भी। तो Q और R में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो Q है उसमें 12 और प्लस 16 आ रहा है, प्लस R में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो उसको भी लिख लेंगे। अब देखिए टोटल कितना हो गया, 628 1113, 38 मिल गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, Q यूनियन R का कॉम्प्लीमेंट और उसका कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, U में से माइनस करके। अब U में कितने एलिमेंट है, टोटल 80। ठीक है, तो 80 लिख लिया, माइनस Q यूनियन R में कितने एलिमेंट है, अभी हम लोगों ने फाइंड किया, 38। तो हम लोगों को मिल जाएगा कितना, 10 माइनस 8 2 और 7 माइनस 3 4, यानी कि 42 इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।